नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने एमटीडी न्यूज चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में पीएसएल केस की अगली सुनवाई कब है। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, आपको और भी जरूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करें, और दोस्तों अगर सब्सक्राइब का बटन सफेद है तो क्लिक ना करें। और देखिए आपके स्क्रीन पर एक ऐसा बेल आइकन भी नजर आ रहा होगा सब्सक्राइब के बटन के साइड में, अगर आपके स्क्रीन पर ऐसा बेल आइकन है तो उस पर क्लिक करके उसको ऐसा कर लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है और यहाँ पे मैंने पीएसएल केस का स्टेटस खोला हुआ है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पीएसएल वर्सेस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। और दोस्तों यहाँ पे यह भी लिखा हुआ है कि लास्ट सुनवाई कब हुई थी, जैसा कि आप देख रहे होंगे 23 फरवरी 2018 को आखिरी सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में पीएसएल केस की, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम फैसला सुनाया था पीएसएल निवेशकों के हित में। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि पिछली सुनवाई में क्या हुआ था। तो दोस्तों पहले आपको बता दूं कि पीएसएल केस की अगली सुनवाई 9 अप्रैल 2018 को होगी, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे 9/4/2018। और दोस्तों जैसे कि आप सबको पता होगा कि पीएसएल केस की पिछली सुनवाई 23 फरवरी को थी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी अहम फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने पल्स कंपनी को अपनी जमीनों को खुद ही बेच के निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया था, क्योंकि सेबी 2 सालों से पीएसएल की सभी प्रॉपर्टी को नहीं बेच पाई है। और दोस्तों आप देखते हैं कि 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और कितना समय लगेगा पीएसएल की सभी प्रॉपर्टी को बिकने में, क्योंकि दोस्तों पैसा तो आपको जब ही मिलेगा जब सभी पीएसएल की प्रॉपर्टी बिक जाएंगी। और दोस्तों अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, निर्मल सिंह भंगू को जमानत मिलेगी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, या फिर जेल के अंदर से ही प्रॉपर्टी को ऑनलाइन नीलाम किया जाएगा। वैसे दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि निर्मल सिंह भंगू को जमानत नहीं मिलेगी, कुछ ब्रोकर्स द्वारा पीएसएल की प्रॉपर्टी को जेल के अंदर से ही नीलाम किया जाएगा। अब यह तो अच्छी तरह से 9 अप्रैल को ही पता चलेगा, बस कहीं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की तारीख आगे ना बढ़ा दे। और दोस्तों अगर आपको इन दोनों खबरों को खुद ही पढ़ना है तो आप हमारे फेसबुक पेज से इन दोनों खबर को पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े तो अभी जाएं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें, ताकि दोस्तों वहां से भी आपको पल्स की अपडेट मिलती रहे। हमारे फेसबुक पेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो आप डायरेक्ट फेसबुक पर एमटीडी न्यूज भी सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगली वीडियो में कुछ और भी नई जानकारी के साथ। गुड बाय दोस्तों।